मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने टीवी चैनल प्रतिनिधियों को हरदा हादसे के पश्चात घायलों के उपचार और उन्हें दी गई आर्थिक सहायता के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश में पटाखा फैक्ट्री के संबंध में जानकारी एकत्र की गई है और सुरक्षा के प्रबंधन की जानकारी मांगी गई है। वहीं इस संबंध में सभी जिला कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी नियमों का उल्लंघन हो कठोर कार्रवाई की जाए। वहीं सीएम यादव ने कहा कि हरदा हादसे के मामले में कोई भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, जांच के बाद नहीं बचेगा। मामले में दोषी लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में सीएम मोहन यादव ने बताया कि सभी जिलों में पटाखा फैक्ट्रियों की जांच की जा रही है। वहीं राज्य शासन ने राहत और बचाव के साथ सभी कदम एक साथ उठाए हैं, इस कारण इस हादसे से होने वाले नुकसान को कम करने में सफलता मिली है। जब हम प्रबंधन कर रहे थे, इस प्रबंधन में हमने मानवीयता का पक्ष भी रखा कि इसमें दो तरह से काम होना चाहिए। घायलों का तुरंत इलाज होना चाहिए और जहाँ जिनके कोई का प्राणांत हुआ है उस परिवार को यथायोग्य जल्दी से उनको इसकी साल संभाल करने के लिए, बताने के लिए और कम्युनिकेशन करने के लिए एक टीम अलग बनाई थी। मैं इसी के साथ साथ समान रूप से उसी दिन शाम को एक आपात बैठक बुलाई जिसमें पूरे प्रदेश के अंदर ऐसी कितनी भी फैक्ट्रियां चल रही है, इन फैक्ट्रियों की सर्चिंग कराना, उनको जानकारी लाना और उन पे भी जो नियम के हिसाब से अगर उल्लंघन कर रहे हैं तो कठोर कार्रवाई करना। यही कारण हुआ कि दो दिन के अंदर ही हमारे पूरे प्रदेश के अंदर सारी फैक्ट्रियों में जहाँ जहाँ भी लगा कि गलतियाँ हो रही वहाँ उनमें कार्रवाई कर दी है और भविष्य की दृष्टि से भी जिला कलेक्टर को ताकीद किया गया है कि किसी के क्षेत्र में अगर ये कुछ पाया जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे इस बात का भी यद्यपि दुख है कि ये घटना जैसी हुई है ये होना नहीं चाहिए, लेकिन घटना के बाद प्रशासन ने जो तत्परता दिखाई, लेकिन फिर भी अगर किसी की गलती होगी इसलिए एसपी कलेक्टर को भी हमने वहाँ से हटाया और एक जांच टीम का गठन किया है कि अगर किसी की गलती किसी स्तर की भी होगी हमको उसको छोड़ेंगे नहीं और निश्चित रूप से उसको दंड देंगे और आने वाले समय में घटना दोबारा ना हो पाए इसके प्रबंधन भी कर रहे हैं। मेडिकल सुविधाओं को लेकर बढ़ावा देने के लिए भी हमने अलग अलग हेल्थ डिपार्टमेंट में भी आगे प्लानिंग की है, साथ ही साथ एयर एम्बुलेंस की भी प्लान किया है कि एयर एम्बुलेंस ला करके ऐसी घटना अगर होती है तो नज़दीक के हॉस्पिटल में जब दूरी के कारण किसी के अगर कोई कष्ट बढ़ते हैं या प्राण जाते हैं तो वो बहुत दुखद होता है, इसलिए एयर एम्बुलेंस लाने का भी हमने प्लान किया है कि हर हालत में हर मरीज को जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी सरकार वहाँ सहायता करते दिखाई देना चाहिए। ये मानवता के लिए उचित है और सरकार के लिए भी उचित है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार इन सारे मामलों में इतनी गंभीर है और यही कारण है कि हमने कहा कि किसी भी हालत में दोषियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए विपक्ष ने स्थगन लाए तो हमने तुरंत स्वीकृति दी, कहा अगर हमने काम किया है तो हमको स्थगन में जवाब देने में हमको कोई गुरेज नहीं है। और रही बात जाँच को लेकर के, तो निश्चित रूप से जाँच निष्पक्ष होगी और पूर्णतया सबके गले उतरेगी और कार्रवाई भी उसी प्रकार से होगी, जिसकी किसी की गलती हुई उसको छोड़ेंगे नहीं।